Good morning, students. Today I'm here with our grammar topic, pressy writing. We have done many other grammar topics, short grammar topics, narration, voice. Today we are going to do the topic pressy writing, composition part of our grammar. But आज मैं आपको बताऊंगी कि pressy writing क्या है, ये आपको कैसे लिखनी है, इसमें आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज़ प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग क्या है? प्रेसी राइटिंग एक आपको एक बड़ा पैसेज दिया जाता है. प्रेसी इज़ द थीम ऑफ दैट पैसेज. वो बड़े पैसेज का आपको थीम बना के लिखना होता है, वो होती है प्रेसी. और प्रेसी राइटिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो मैं आपको बताऊँगी. नाउ सी वट इज़ प्रेसी. प्रेसी इज द मेन थीम ऑफ पैसेज. जो पैसेज दिया होता है उसका ये मेन थीम होता है. इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है ब्रेविटी. वट इज़ ब्रेविटी? शेक्सपियर वंस सेड ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. विट सियाना, समझदारी. समझदारी की आत्मा होती है ब्रेविटी. मीन्स कम शब्दों में जब हम बड़ी बात को कहते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी. प्रेसी लिखते समय आपको पहली चीज़ जो ध्यान में रखती है रखनी है वो है ब्रेविटी. सेकंड थिंग है क्लियरिटी. आपकी जो प्रेसी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. आप पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो प्रेसी में लिख रहे हो वो सबको पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आप उसमें क्या बताना चाहते हो. देन कंप्लीटनेस, आपकी प्रेसी अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए. ये नहीं है कि प्रेसी को पढ़ के ऐसा लगे कि इसमें कुछ छोड़ा हुआ है या इसके आगे भी कोई बात हो सकती है. देन कनेक्टेडनेस, ये दोनों चीज़ें आपस में संबंधित हैं. कंप्लीटनेस, कनेक्टेडनेस मीन्स स्टार्टिंग से आपकी प्रेसी जो एक के सेंटेंसेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी उसमें कंप्लीटनेस आएगी. फिर लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें लचक होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए. देन टेंस, आपको पूरी प्रेसी एक ही टेंस में लिखनी होती है और कोशिश कीजिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में प्रेसी को लिखिए. देन ऑर्डर ऑफ थॉट, जो आपके विचार हैं उनको एक सही नियम में, एक सही ऑर्डर में लिखना है आपको. फिर आगे लेंथ, जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रेसी राइटिंग की. लेंथ के बारे में क्या है कि आपको हमेशा जो पैसेज दिया होता है उसका 1/3 करके, मीन्स इफ़ द पैसेज गिवन इज ऑफ 200 वर्ड्स यू हैव टू राइट द प्रेसी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 65 वर्ड्स. मीन्स 1/3 करना होता है पैसेज का. आपको क्या करना होता है, वर्ड्स काउंट कर लेते हैं आप, देख लेते हैं कि कितने वर्ड्स हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसका आप 1/3 कर देते हैं. क्लियर? अब हम प्रेसी राइटिंग आगे के स्टेप्स अब मैं आपको बताऊंगी. प्रेसी राइटिंग लिखते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. कैसे स्टेप बाय स्टेप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप एक अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं अब आप ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है जो हमारा, वो है रीड द पैसेज. हमें क्या करना है, जो पैसेज हमें दिया गया है चाहे वो पैसेज 250 वर्ड्स का है या मोर देन 250, रिमेंबर द पैसेज कैन बी इन बिटवीन 250 टू 500 वर्ड्स. मीन्स आपको एक लेंथी पैसेज दिया होता है, आपको उस पैसेज को थॉरली रीड करना है. अच्छे से पैसेज को रीड करो ताकि आपको समझ आ सके कि उसमें क्या कहा गया है. उसके बाद हमारा सेकंड आ गया अंडरलाइन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. पैसेज रीड करते समय, एक बार आप पैसेज को वैसे ही रीड कर दो, सेकंड टाइम जब आप पैसेज को रीड कर रहे हो तो रीड करते समय उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लो ताकि आपको प्रेसी लिखने में आसानी हो. फिर हमारा है काउंट द वर्ड्स. मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको प्रेसी 1/3 में लिखना है, मीन्स जितना पैसेज आपको दिया गया है उसका 1/3 करके आपको प्रेसी लिखनी है. तो आपको वर्ड्स काउंट करने हैं, काउंट कर लीजिए वर्ड्स. काउंट करने के बाद देखिए अगर वो 300 वर्ड्स हैं तो प्रेसी लिखने के लिए आप कितने वर्ड्स यूज़ करोगे, मीन्स 100. 300 का 1/3 कर लिया आपने, 100. या फिर आप लाइंस भी काउंट कर सकते हैं. सपोज आपकी 10 लाइंस में पैसे दिया गया है या 15 लाइंस में आपको पैसे दिया गया है तो आप 5 लाइंस में अपनी प्रेसी की लिमिट रख सकते हैं. फिर आ गया हमारा डिसाइड द टाइटल. प्रेसी लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका टाइटल डिसाइड करना होता है. जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें इम्पोर्टेंट किसके बारे में बात की जा रही है,
तो आप उसको एज ए अपना टाइटल ले सकते हैं। और याद रखिए जो टाइटल है दैट कैन बी फ्रॉम वन वर्ड टू फोर वर्ड्स, मीन्स वो आपका जो टाइटल है एक शब्द से लेकर चार पांच शब्दों तक हो सकता है। जैसे एक शब्द में आ गया, जैसे आपने किसी चीज़ का टाइटल न्यूज़पेपर ले लिया, या वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर ले लिया, या वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स ले लिया, गुड स्पीच ले लिया, इस तरह आप छोटा टाइटल भी दे सकते हो और तीन या चार वर्ड्स का टाइटल भी दे सकते हो, जैसे बोन्स एंड पेन्स ऑफ साइंस, बोन्स एंड पेन्स ऑफ कंप्यूटर, एनीथिंग। फिर आपका आ गया जो स्टेप, आपको ये इम्पोर्टेंट स्टेप प्रेसी लिखने में आपको फॉलो करना है, वो है क्रॉस एग्जाम्पल सेइंग डायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको प्रेसी लिखते समय ध्यान रखना है कि पैसेज में अगर कोई एग्जाम्पल दी गई है या किसी की सेइंग, किसी की कही हुई बात है, जैसे अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, जो ऐसे सेंटेंसेज है वो आपको पहले ही हटा देनी है, रिमूव कर देनी है। सेम इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में किसी की डायरेक्ट बात है जो एज इट इज गिवन है, तो उसको भी आप प्रेसी लिखते समय नहीं लिखोगे। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स तो किए ही हैं आपने, मींस क्या होता है कि ज़्यादा शब्दों की जगह आप कम शब्दों का इस्तेमाल करो। इसके लिए एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे सेंटेंस है ही इज सो इंटेलिजेंट दैट पजल्ड द टीचर्स, तो हमने ही इज सो इंटेलिजेंट दैट इस सब की जगह के हमने हिज इंटेलिजेंसी वर्ड यूज कर लिया। अब देखो हमारे पास कितने वर्ड्स थे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स थे जिनकी जगह पे हमने 2 वर्ड यूज कर लिए, हिज इंटेलिजेंसी पजल्ड द टीचर्स, मीनिंग तो सेम हो गया। तो ऐसे आप प्रेसी लिखते समय वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करो, मीन्स ज़्यादा शब्दों की जगह कम शब्दों का इस्तेमाल करोगे, मीन्स आप उसमें क्या करोगे, गागर में सागर भरने का काम करोगे। फिर आ गया हमारा रिमूवल ऑफ टोटोलॉजी। अब ये टोटोलॉजी क्या होती है, टोटोलॉजी होती है सिनोनिम्स, मीन्स कई बार सेम वर्ड्स बार बार यूज किए जाते हैं राइटर की तरफ से, तो आपको उसके उसमें से एक दो वर्ड ले लेने हैं और आप वही यूज करो, ठीक है, जिससे आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और वर्ड्स की रेपिटेशन भी नहीं होगी, मीन्स वही वर्ड बार बार सेम मीनिंग वाले नहीं आएंगे। फिर आ गया रिमूवल ऑफ ऑर्मेंटेशन। ऑर्मेंटेशन क्या होता है, जो लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो अपनी रचना को एक सुंदर तरीके से दिखाने के लिए कुछ अपने लिटरेरी टर्म्स है जो वो यूज़ करते हैं, जैसे मेटाफोर्स, सिमिली, कंसीट्स, लिटरेरी टर्म्स हैं ये यूज़ की जाती हैं, तो आपको इन सबको छोड़ देना है, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स इन प्रेसी राइटिंग, ठीक है। फिर अब लास्ट आ गया हमारा प्रेस, राइट प्रेसी। अब आपको प्रेसी लिखनी है, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आपने प्रेसी कैसे लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पैसेज को अच्छे से थॉरली रीड करना है, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है, फिर आपने उसके वर्ड्स काउंट कर लेने हैं और काउंट करके उस याद रखना है कि सिर्फ उसका 1/3 ही बनना चाहिए। कोशिश कीजिए अगर आप उसमें से सेम सेंटेंस लेने की बजाय अपनी लैंग्वेज भी, क्योंकि आपको पैसेज में समझ आ गया कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। इसी तरह आपको टाइटल डिसाइड कर लेना है और टाइटल लिख लेना है, फिर आपको किसी की डायरेक्ट स्पीच है, एग्जांपल्स है, किसी की कही हुई बात है, वो आपको बिल्कुल रिमूव कर देनी है। उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, मीन्स सिंगल वर्ड यूज़ करनी है, ज़्यादा वर्ड छोड़ देनी है। अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप साथ ही साथ अंडरलाइन करते जाओगे कि कौन से वर्ड कम इम्पोर्टेंट हैं या डायरेक्ट स्पीच हैं जिनको आप प्रेसी में नहीं लिख सकते रूल्स के अकॉर्डिंग, उनको आप पहले ही क्रॉस आउट करते जाओ। अगर आप ऐसा करते जाओगे तो आपको प्रेसी लिखने में आसानी होगी। इस तरह अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बड़े इजीली वे से प्रेसी लिख सकते हो। आज हम एक एग्जांपल रूप में भी एक पैसेज करेंगे। हम एक पैसेज लेते हैं और उस पैसेज के हम वर्ड्स काउंट करते हैं, वर्ड्स काउंट करने के बाद उसको हम 1/3 में उसके करते हैं, जो उसमें से जो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको हम निकालते हैं। आई होप यू विल डू इट वेल। अभी हम एक पैराग्राफ लेते हैं जिसकी मैं आपको प्रेसी कैसे बनती है वो सिखाऊंगी। ये मैंने पैराग्राफ आपकी ही बुक में से लिया है, फर्स्ट आपका प्रैक्टिस में दिया गया है ये पैराग्राफ। राइट ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। इसमें मैंने क्या किया है, जो मेन
पैसेज को रीड करने के बाद जो मेन सेंटेंसेस हैं उनको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही आपने करना है। आपने प्रेसी का पैसेज लेना है, जो आपको आएगा प्रेसी के लिए उसको आपने रीड करना है। क्वेश्चन क्या है, कैसे आएगा आपको, राइट ए प्रेसी ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ, ऑल्सो गिव सूटेबल टाइटल। अब मैंने जो पैसेज है वो पूरा नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास बुक में वो पैसेज है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, वर्ड्स इन ओरिजिनल पैसेज, हमने पैसेज के वर्ड्स है जो वो काउंट कर लेने हैं। मैंने इसके वर्ड्स काउंट किए थे, ये हमारे 180 वर्ड्स हैं, ये हमारे पैसेज में 180 वर्ड्स हैं। और प्रेसी में हमने क्योंकि उसका 1/3 करना है तो प्रेसी के हमारे 1/3 करने के बाद हमारे कितने वर्ड्स आएंगे, 60। क्योंकि अगर हम 180 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 60 आता है। तो रीड करने के बाद जब इसका टाइटल जो मुझे सूटेबल लगा तो वो है एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन। इसमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया है कि मेडिटेशन की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, तो इसलिए मैंने इसको टाइटल दे दिया एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन। अब हम इसकी प्रेसी लिखेंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही इस आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन लिख लेना है, पैराग्राफ आप चाहे तो उतार भी सकते हैं, नहीं चाहे तो उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वर्ड्स इन ओरिजिनल पैसेज काउंट करने हैं, फिर वर्ड्स पर प्रेसी लिखनी है, तो और फिर टाइटल देना है। फिर हमने प्रेसी लिखी है, प्रेसी में हमने इसकी जो मेन आइडियाज हमें लगे वो हमने उतारे हैं। मेडिटेशन इज प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग एंड कनेक्टिंग टू योर इनर सेल्फ, इट लीड्स टू अ काम माइंड, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड एनर्जी। Many problems in the modern world are solved as a result of it. A person becomes emotionally stable, his attitude is totally changed, life is God's beautiful gift, so we should practice meditation to enjoy a stress-free life. इस तरह हमने इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं वो हमने खुद बनाए हैं, कुछ सेंटेंसेस हमने इसमें से लिए हैं आइडियाज लेकर। इस तरह आप प्रेसी की प्रैक्टिस करें, क्लियर।